हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपना बैंक में, क्योंकि एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने तो मेरे कुछ पैसे काटे हैं अकाउंट से। तो जब मैं पूछने गया था तो उन्होंने बताया था कि जैसे इंश्योरेंस वगैरह कट रहे हैं वो, तो उस टाइम कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे उन्होंने कि कैंसिल करवाना है तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया था। तो मतलब अपॉइंटमेंट थी ये, लगा लो एक तरह अपॉइंटमेंट लगा लो। तो आज की अपॉइंटमेंट है तो आज जाके वो बंद करवाना है, ठीक है, अपने इंश्योरेंस। और जो वो चीज़ें हैं मेन तो इंश्योरेंस की है, पहले तो वो बंद करवा देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस की तरफ, बस स्टॉप की तरफ। 2 नंबर बस जाएगी यहाँ से सीधा ब्रेटो, ठीक है। तो उसमें चलते हैं और फिर आके देखते हैं कहाँ जाना है। कभी कल कपड़े भी आ चुके हैं अपने, आपको पता ही है, जैसे सामान भी आ चुका है। और फिलहाल देखते हैं आके देखें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। गेरी भाई और मैं सालों को देखते हैं, जाएगा नहीं बचा नहीं जाएगा वो। फिलहाल अब हम चलते हैं अपना बैंक की तरफ, तो मिलते हैं आपको सीधा बस में बैठने के बाद ही। तो फाइनली गाइस, मैं बैठ चुका हूँ अपना बस में और अब जा रहा हूँ यहाँ से अपना सीधा ब्रेरो, फॉरम ब्रेरो बैंक में। तो मिलता हूँ सीधा वहीं पहुँचने के बाद ही। पहले गाइस, बस में से मैं उतर चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अपना बैंक की तरफ, जो कि इस साइड में पतली साइड है, ठीक है, थोड़ी सी आगे ही रह गया। 1 मिनट भी लगना पूरा, 1 मिनट का रास्ता है। तो मिलते हैं आपको सीधा नहीं पहुँचने के बाद ही बैंक में। गाइस मैं हो चुका हूँ इस साइड में और ये अपना सामने वो बैंक, तो मिलते हैं आपको सीधा बैंक में जाने के बाद ही। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बैंक में और फिलहाल मैं कर रहा हूँ वेट, क्योंकि मेरे से पहले भी 6 बंदे हैं, ठीक है। तो जब मैंने अभी रजिस्टर किया है तो उसमें मेरा नंबर है 823, मतलब मैसेज आया है जब मैंने अपने अकाउंट में एंटर किया। वो मैसेज मैं आपको इसमें सेटिंग से डाल दूँगा इसमें, ठीक है। बाकी दिखाता हूँ आपको बैंक का व्यू भी। फाइनली गाइस, अपना लाइसेंस तो कैंसिल करवाने के बाद मैं आ चुका हूँ बैंक से बाहर और अब मैं जाऊँगा अपना घर की तरफ, ठीक है। तो फिर करते हैं बस की वेट, बस का टाइमिंग जो है अभी मेरे ख्याल में 10 मिनट में 5-10 मिनट तक आई जाएगी। तो करते हैं अभी बस की वेट और मिलते हैं आपको बस में बैठने के बाद। तो गाइस बस में से उतरने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपना घर की तरफ और घर पे जाके देखते हैं, खाते हैं थोड़ा बहुत खाना पीना खा के फिर देखते हैं कहीं जाएंगे। तो गाइस घर पहुंचने के बाद, उसके बाद मैं और गैरी निकल चुके हैं अपना घर से और हम आए हैं अभी जेम मार्ट, मतलब कि एक चाइनीज़ बड़ा स्टोर है और यहाँ पे बहुत कुछ सामान मिलता है। तो अभी चलते हैं यहाँ से अंदर। तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर और हम सबसे पहले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब कि कपड़े लत्ते वगैरह हैं, तो अभी वो आपको दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है। कपड़े लगते भी हैं ऊपर, बहुत कुछ सामान है। तो फिलहाल हम आए अपना कपड़े लगते वाले एरिया में, ठीक तो ले है। और अभी चलते हैं अपना यहाँ से आगे की तरफ, बाकी दिखाता रहूँगा आपको। 10-10 यूरो की पेंटें लगी हुई हैं, बाकी जो मैंने देख जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे लड़कियों का ज़्यादा सामान है, लड़कों का बस थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा एरिया था, बाकी ज़्यादातर लड़कियों का ही है ये। आप लोग देख ही रहे होंगे, आपको सब कुछ ज़्यादातर लड़के लड़कियों का सामान ही दिख रहा होगा,
मतलब मैं अपने नहीं बता रहा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा कि वो मुझे दिख रहा है। मैं आप जो आप लोगों को वो चीज़ दिख रही होगी ठीक है ना, कि कैसा सिर्फ लड़कियों को ज़्यादा सामान है, होगा? ये थोड़ा सा लड़कों का सामान आया है और ये बस इतना ही है, बस ये थोड़ा सा एरिया। और उसके बाद अब हम आए हैं यहाँ पे, यहाँ मतलब स्टैचू वगैरह मूर्तियाँ वगैरह पड़ी हैं ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान है। ठीक है बताओ, मतलब मैं आपको ये स्टैचू है हो गया अपना, वुडन का सामान हो गया, अलमीरा वगैरह जैसे साइड टेबल टाइप हो गया ठीक है ना, और अपना ये कप वगैरह भी पड़े हैं, फ्लावर पॉट पड़े हैं, और ये अपने गजानन मजा महाराज जी ठीक है, हाथी जी, और अलग अलग मतलब डिजाइन के हिसाब से ठीक है, और ये बुद्धा वगैरह लाइक ठीक है। बाकी लकड़ी का भी सामान है लाइक मेज वगैरह हो गए ठीक है, साइड टेबल, ये स्टैंड हो गए कपड़े टांगने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट सारा सामान है, चेयर वगैरह भी हैं, प्लेटें वगैरह सब कुछ है इनके पास ठीक है ना, बहुत बड़ा मॉल है ये। तो अभी यहाँ से थोड़ा बहुत घूम फिरने के बाद ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से नीचे, नीचे भी दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ का आप ऑलमोस्ट वही के कपड़े हैं, स्टार्टिंग के कपड़े हैं, जिसके आपा ऊपर कुर्सियाँ वगैरह ये लेगा सब यार कुछ है कौन यहाँ पे। करा? तो अभी चलते हैं नीचे, नीचे दिखाते हैं आपको। तो लेके चल रहे हैं आपको नीचे की तरफ। तो नीचे आ चुके हैं और नीचे आप लोग देख ही रहे हो फ्लावर वगैरह हैं डेकोरेशन के लिए, और मतलब यहाँ पे जैसे हम चटाइयाँ वगैरह कपड़े इतना पर्दे वगैरह ऑलमोस्ट सारा सामान है यहाँ पे, सारा सामान। बाकी आज जो हम लेने आए हैं, जो गैरी भाई है ना इनका, इनके जो मैनेजर है अपना इधर रेस्टोरेंट पे, तो उनके उनका बर्थडे था ठीक है कल था, तो आज वो उसको उनको गिफ्ट देंगे, तो गिफ्ट के लिए उन्होंने पूछा, तो वो कह रहे कि उनके पास ऐसे कुत्ता है कि वो कह रहे कि कुत्ते के लिए ले आना कुछ ठीक है, उनको डॉगी, तो उसके लिए लेके कुछ जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे उसके लिए, देखते हैं अभी क्या लेके जाना है। एक तो ये कपड़ा लत्ता जो भी ड्रेस है उनकी वो लेके चले जाएंगे, और एक जिसके ऊपर वो बैठते हैं आराम से ठंड में, वो जो भी है भाई जो कभी। तो भाई यहाँ से सामान लेने के बाद मेरी के लिए तो हम जा रहे हैं सबसे तरह पहले कर जाएगी सर मिस्टर रैप ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं घर पे उनके घर पहुँचने के बाद ही। तो भाई हम घर पहुंच चुके हैं और अब हम करेंगे पैकिंग ठीक है, तो पैकिंग करने के बाद चल जाएंगे यहाँ से, तो फिलहाल करते पैकिंग और मिलते हैं आपको बाद में, मतलब 2-3 मिनट बाद ही पैकिंग करते निकल रहे हैं यहाँ से। तो अब मिलते हैं आपको बाद में, दिखाते हैं आपको बाकी पैकिंग वगैरह ना। तो फिर हमने कर ली है पैकिंग इसमें ठीक है, और अब लेके चलते हैं इसको, तो मिलते हैं आपको बाद में ठीक है। तो कैसे हम निकल चुके हैं घर से अपना ब्रेरो की तरफ, तो अब बैठ चुके हैं कंबोई में, तो अब मिलते हैं आपको सीधा ब्रेरो पहुंच कर ही। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे, और हम यहाँ से जाएंगे शिप में, उसके बाद देखते हैं अभी कहाँ जाना है ठीक है। वो बाइक जाएंगे, पहले वकील के पास जाना है, यहाँ सीधा जिनकी मैडम है मैनेजर उनकी असिस्टेंट है, उनके पास जाना को गिफ्ट देने, कल उनका बर्थडे था, तो जो भी रहेगा बताएंगे आपको। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना स्टेशन पे, और हम यहाँ से जा रहे हैं अपना मेट्रो की तरफ, तो मिलते हैं आपको मेट्रो बैठने के बाद। तो फिर मेट्रो में से उतरने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से आगे कमोई में, कि पहले हम जाएंगे वकील के पास ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको सीधा ऐसे चलने के बाद ठीक है। तो भाई सीटने से उतरने के बाद मेट्रो में बैठने के बाद रास्ता दौर उतरने के बाद, तो
हम आए अपना कम्बोई में, ऐसा दोस्त है सिंतरा की तरफ जो कम्बोई आती है उसके दूसरे स्टॉप पे उतर चुके हैं हम, और यहाँ से जा रहे हैं पैदल, देखते हैं कहाँ जाना भाई के साथ ही। तो मिलते हैं आपको, भी जाए भाई जा रहे हैं, ठीक है वकील के पास जाके। तो वही वहां से निकलने के बाद कम्बोई स्टेशन से बाहर आने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से, मतलब पैदल पैदल है और सब दूर, ठीक है वो तो जाके पता चलेगा फिर मिलते हैं आपको कहीं पहुँचने के बाद ही। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अपना वकील के घर, जो मेरे बैक साइड में ही है, ये वकील का ही घर है, ठीक है, और वो है बेनफिका, ठीक है भाई। तो जा चुके हैं अंदर, उनका सामान मेरे पास ही है, तो बहुत भी बाहर देखते हुए बात करने गए हैं। एक्चुअली अपने कार्ड के बारे में बात करना है कि उनका कार्ड किसी कारण से डिलीट हो चुका है, तो वो नहीं पता लग रहा, तो इसलिए ये वकील के पास आए हैं। तो हम थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, ठीक है भाई, आते हैं उनसे करते हैं बात, क्या रहा क्या नहीं, मिलते हैं आपको बाद में। तो वही अप्रोक्सीमेट 1 घंटा हो चुका है, भाई अभी अंदर ही है, तो उनकी कॉल आई थी बीच में कि थोड़ा मतलब इधर उधर बैठ जाए क्योंकि अभी अंदर हो, क्या कितने टाइम लग जाए। तो अभी मैं आके बैठा हुआ हूँ अपना एक बस स्टॉप पे, जो थोड़ा सा निकालो 1 मिनट की दूरी पे है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वेट, 1 घंटा हो चुका है, रात अंधेरा भी हो चुका है, अप्रोक्सीमेट रात भी हो चुकी है। हम यहाँ पहुँचे थे 6 बजे, नहीं सॉरी 5:30 बजे, और इस टाइम हो चुका है टाइम 6:32 हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगना है, फिलहाल क्या करें, वेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब वो कुछ जो भी काम करने गए हैं तो वो पूरा करके आएंगे अभी, ठीक है ना, तो उनको पूरा करना भी चाहिए। तो फिलहाल यही करते हैं, वेट देखते कितना टाइम लगना है उनको कितना नहीं, तो मिलते हैं आपको बाद में, ठीक है भाई। स्टार्ट हो चुकी है, मुझे वैसे बैठे बैठे तो नींद आनी है अवेलेबल, तो चलो अब मिलते हैं आपको बाद में, ठीक है अभी देखते हैं मतलब वहाँ जाना है, रेस्टोरेंट में उनका जो सामान है वो भी उनकी मैडम है, उनको गिफ्ट लेके आना होंगे, तो उनका बर्थडे था क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी चल रहे हैं, इसलिए आज देने उनको देने के लिए। बाकी देखते टाइम से घर भी जाना है, मैं भी रात को काम हूँ वहाँ पे, जो घर के बाहर जो दुकान है, ठीक है ना, वहाँ पे जाकर काम हूँ। बुधवार को भी गया था, ठीक है ना, पिछली बार, तो देखते हैं अभी मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस भाई आ चुके हैं अपना बाहर, अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा रास्ता दौर की इनके भाई और के घर पे, इनको गिफ्ट भी देना है, केक वगैरह कटाना उनका बर्थडे का, ठीक है तो अब मिलते हैं सीधा वहीं पहुँच के। तो गाइस भाई तो अपना जा चुके हैं कैफे पे, और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ क्योंकि जो रात को काम पे जाना था ना, वहाँ से भाई का एक बार फोन आ चुका है कि आ जाना, मैंने मतलब खुद ही कॉल किए थे उनको, तो वो पूछे थे कि काम तो है आ जाना, ठीक है तो मैं निकल चुका हूँ यहाँ से जल्दी, पर मैं जाऊँगा सीधा घर पे, तो यहाँ से पहले सिप में जहाँ भी जाऊँगा बताऊँगा आपको, तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं पहुँचने के बाद ही घर पे। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और अब मैंने जाना काम पे तो निकलता हूँ, तो मिलते हैं आपको बाद में। तो फाइनली गाइस काम पे जाने के बाद वहाँ से आ चुका हूँ मैं, और अभी खाना पीना खा के आके खाना पीना खा के अब बैठ चुका हूँ अपना बेड पे, तो अभी करते हैं रेस्ट। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना, क्योंकि आज मैं बहुत घूमा हूँ, सुबह से घूम ही रहे हैं, पहले हम GM मार्ट गए, उसके बाद फिर हम गए वकील के पास, वकील के पास 1 घंटा वेट किया 1.5 घंटा, उसके बाद फिर मतलब भाई की कॉल एट अ टाइम आई, और मैं एट अ टाइम मतलब बिल्कुल टाइम टाइम मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम मैं घर पे पहुंचा, तभी भाई और आ गए थे अपना वो गाड़ी लेके जिसमें सामान वगैरह उतारना था, तो बस आते ही बस वो थोड़ी सी वीडियो क्लिप की, और तभी कपड़े चेंज करके मैं चला गया था। तो अभी करते हैं रेस्ट और मिलते हैं हम कल की शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।